मिचेल मार्श के बाद आया मोहम्मद शमी और सिराज का तूफान, घातक गेंदबाजी कर तोड़ डाला कंगारुओं का घमंड। दोस्तों, अगर आप भी मोहम्मद शमी और सिराज को खतरनाक गेंदबाज मानते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है। टॉस के दौरान हार्दिक पंड्या एक प्लांट लेकर आए और उन्होंने उसे स्टीव स्मिथ को दिया। बीसीसीआई ने पर्यावरण को लेकर एक तरह की नई मुहिम चलाई है। वहीं पहले वनडे में भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। प्लेइंग 11 में रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव की वापसी हुई। जडेजा ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में कमाल किया था। वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम को मैच से पहले बड़ा झटका लगा, एलेक्स कैरी बीमार हो गए और वो वापस घर लौट गए हैं। वहीं डेविड वार्नर भी पूरी तरह से फिट नहीं है। ऐसे में ट्रेविस हेड के साथ मिचेल मार्श ओपनिंग करने उतरे। पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। मोहम्मद सिराज की आग उगलती गेंद ने ट्रेविस हेड को बॉल्ड आउट कर ऑस्ट्रेलिया को तगड़ा झटका दिया। ट्रेविस हेड का विकेट जल्दी गंवाने के बाद मिचेल मार्श और स्टीव स्मिथ ने ऑस्ट्रेलिया की पारी को संभाला, लेकिन मिचेल मार्श ने टीम इंडिया के गेंदबाजों की जमकर खबर ली। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए मिचेल मार्श ने 65 गेंदों में 81 रनों की तूफानी पारी खेली। अपनी इस पारी में मार्श ने 10 शानदार चौके और 5 तूफानी छक्के जड़ अपनी मनसा साफ कर दी थी। मिचेल मार्श ने एक से बढ़कर एक शानदार शॉट्स लगाए। मिचेल मार्श ने भारतीय गेंदबाजों की बखिया उधेड़ कर रख दी। मिचेल मार्श खतरनाक नजर आ रहे थे और चौके छक्कों में बात कर रहे थे, लेकिन रविंद्र जडेजा की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में वह अपना विकेट दे बैठे। मार्श ने छक्का लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का किनारा लेते हुए सीधी हवा में उछली और मोहम्मद सिराज ने जबरदस्त कैच पकड़ मिचेल मार्श को चलता किया। पहले वनडे में अच्छी शुरुआत के बाद कंगारू टीम दबाव में आ गई। भारतीय गेंदबाजों ने घातक गेंदबाजी कर कंगारू बल्लेबाजों के पसीने छुटा दिए। मार्श के आउट होते ही भारतीय गेंदबाजों ने चढ़कर बॉलिंग की। मोहम्मद शमी और सिराज ने अपने दूसरे स्पेल में घातक गेंदबाजी कर ऑस्ट्रेलियाई टीम की कमर तोड़ डाली। मोहम्मद शमी ने पहले जोश इंग्लिश फिर कैमरन ग्रीन को बोल्ड कर कोहराम मचा दिया। मोहम्मद शमी यही नहीं रुके, शमी ने अगले ही ओवर में मार्कस स्टोइनिस को आउट कर मैच का रुख ही बदल डाला। उसके बाद रविंद्र जडेजा ने मैक्सवेल को आउट कर ऑस्ट्रेलिया टीम की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मोहम्मद शमी, सिराज और जडेजा की घातक गेंदबाजी के आगे कंगारू टीम सिर्फ 188 रनों पर ढेर हो गई। भारतीय गेंदबाजों के आगे कंगारू बल्लेबाज पानी भरते हुए नजर आ रहे थे। मिचेल मार्श को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज टिककर नहीं खेल सका। शमी और सिराज की घातक गेंदबाजी के आगे पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया की हालत पतली नजर आई और कंगारू टीम मात्र 188 रनों पर ढेर हो गई। दोस्तों, मोहम्मद सिराज और शमी में से सबसे खतरनाक गेंदबाज कौन है? नीचे कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।